इधर है आंवले, ये आंवले घर से पापा ने ला रखे थे। और फिर से भट्टे पे दो दो टुकड़े करूंगी। ये है राजमा और घर की दाल। चुप चुप बेबी चुप, बेबी चुप, रोना नहीं रोना नहीं। यो भैया क्या बोले, भैया क्या बोले, ये चाहिए। यूच प्यारो उत्तराखंड, यक्ष प्यारा पहाड़, मीछो उत्तराखंडी पहाड़न मेरी पहचान। सबसे पहले सभी दगड़ों होते हैं मेरे प्यार भरो प्रणाम। मैं पूजा भंडारी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पूजा नारायण ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत, और नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 7 बजे से। और अभी का मौसम दिखाती हूँ मैं आपको। धूप ऐसे आर की है, कल रात बहुत ज़्यादा बारिश आई, आई तो थोड़ा मतलब कुछ टाइम के लिए आई, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश आई। उससे अभी भी पूरे बादल छाए हुए हैं, तो देखते हैं थोड़ी देर बाद बारिश आती है या नहीं आती, क्योंकि मौसम तो वह सही लग रहा है कि अभी फिर से आएगी बारिश। और अभी धूप भी नहीं आर की है, मेरे पीछे देख सकते हो आप, ये धूप भी आर की है लेकिन बादलों के पीछे आर की है। तो देखते हैं फिर से आती है या नहीं आती है बारिश। अब मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते पर मैं बनाने वाली हूँ आज हरी सब्जी और रोटी। ये हरी सब्जी, और इधर मैंने मिर्च डाल दी है भुनने के लिए। तो अब मैं बनाती हूँ नाश्ता, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। हमने नाश्ता पानी भी कर लिया है, और अभी थोड़ी सी धूप भी आ रही थी, तो मैं अभी पिंच के कपड़े मशीन में सुखा रही थी, क्योंकि आजकल धूप उतनी तेज़ आ नहीं रही है इसलिए उसके कपड़े जल्दी नहीं सूख पा रहे हैं। और बड़ों के कपड़े तो 2 दिन में सूख जाएंगे, कोई बात नहीं, पर उसके लिए तो चाहिए ही कपड़े, इसलिए मैं उसके कपड़े मशीन में सुखा रही थी। और ऐसे ही बच्चों पे बात आई तो सासू जी कह रहे थे आजकल के बच्चों पे मतलब होने के दिन से ही कितने कपड़े हो जाते हैं, जिस दिन वो होता है उसी दिन उनके पास कितने सारे कपड़े हो जाते हैं। लेकिन पहले ज़माने में बच्चों के पास कपड़े भी नहीं होते थे, मतलब बच्चे की मम्मी ने जो सर में ओढ़ा रहता था उसी से फाड़ के बच्चे की लंगोटी बनाई जाती थी। और आज के टाइम पे देखो कितने सारे कपड़े हैं, और आज के टाइम पे जो सर में ओढ़ रखा है मम्मी ने उसे अगर बच्चे पे लगा दिया है तो कहते हैं कि उससे उसको करकरी लग जाएगी, और कॉटन के कपड़ों से साफ करना है वगैरह वगैरह। लेकिन पहले के टाइम में सारे काम चलाओ वाली चीज़ें होती थी। कहने का मतलब ये था कि आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा सुविधाएँ हो गई है। ये प्रिंस के कपड़े हैं, अब इनको मैं धूप में डाल देती हूँ पहले, फिर उसके बाद बाल बाल बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या हो पाता है दिन भर में। आज हम फिर से आंवले और मूली का अचार बनाने वाले हैं, और उसके लिए हमने आंवला बॉयल करके रख दिया है और मूली भी काट दी है। ये देखिए, ये है मूली और इधर है आंवले, ये आंवले घर से पापा ने ला रखे थे। और फिर से बादल लग गए हैं, थोड़ी सी धूप आई और फिर से मौसम ख़राब हो गया है। अभी टाइम हो गया है 1 बज गए हैं, अब दिन का खाना बनाने का टाइम हो गया है, तो मैं बनाती हूँ दिन का खाना। और दिन के खाने में बनेगी आज घर की दाल और भात, तो उसके लिए मैं ये ले आई हूँ राजमा और घर की दाल। इसको मैं पहले सिलवट्टे पे दो दो टुकड़े करूँगी। ये है राजमा और घर की दाल, फिर इसमें गहत भी मिलाऊँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने ये दाल बॉयल कर ली है, पर ये ढंग से उबली नहीं, अब इसे फिर से रख दूँगी मैं, एक सीटी और लगाऊँगी इस पर। और इधर वाले चूल्हे में मैंने रख लिया है चावल, ये चावल रख दिए हैं मैंने। और यहाँ पे मैंने एक काट दिए हैं प्याज, टमाटर, और इसमें मैंने कूट रखा है लहसुन। तो यहाँ पे मैं अब दाल फ्राई कर रही हूँ, ये मैंने तेल डाल दिया है,
और अब मैं डालूंगी इसमें जीरा, तो ये मैंने जीरा डाल दिया है इसमें। और अब मैं डालूंगी हींग, ये है हींग, तो ये मैंने थोड़ा सा हींग डाल दिया है इसमें। और अब डालूंगी मैं इसमें प्याज, अब थोड़ा सा घुमाने के बाद थोड़ा सा इसको घुमाऊंगी, उसके बाद इसमें डाल देंगे टमाटर, तो अभी थोड़ा सा प्याज भुनने देंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर, और टमाटर गलने के लिए इसमें मैंने डाल दिया है नमक। चुप बेबी चुप, रोना नहीं, यो भैया क्या बोले, चाहिए अशूट वाली, रोते नहीं है, अंगूर खाते हैं, दे पे यो वो खे, ले 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 ये अंगूर अंगूर ये लो, ये से हटा दे जरा, होता यो यो अंगूर होता दो ले ले तो मैं ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ 4 बजे से, और हमने चाय पाई पी ली है। तो अभी ये लोग रिपब्लिक डे की प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने यहाँ पे, ये तीनों। तो गाइस अभी हम वीडियो में वही भेजने वाले हैं आपको, बाकी सब बैठे हुए हैं उधर। आरुई की स्वेटर कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे ये बंदर आर का है, और ये अभी तक डांस जैसा कर रहा था जब से मैंने कैमरा ऑन किया, अब ये बैठ गया यहाँ पे, उसने मेरे हाथ पे कैमरा देख लिया, अब वो बैठ गया है यहाँ पे, नहीं तो अभी तक ये डांस जैसा कर रहा था। आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।